अब तक हम लोगों ने जाना कि चार्ल्स डार्विन को रिपब्लिक गवर्नमेंट के लोग ले जाते हैं। अब आगे समझेंगे कि आगे क्या होता है। द डॉक्टर्स एविडेंस, डॉक्टर का सबूत। जिस दिन चार्ल्स डार्विन को ले जाया जाता है, ठीक अगले सुबह उसकी कार्रवाई थी। उसके साथ डॉक्टर मैनेट, लूसी और मिस्टर लॉरी फ्रंट पे ही बैठे हुए डर से इंतज़ार कर रहे थे। फिर उन्हें पता नहीं था कि चार्जेस लगाए गए हैं चार्ल्स डार्विन पे। वह चार्जेस किसके द्वारा लगाए गए? प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट आते हैं और फिर वही दूसरी ओर पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहते हैं जो चार्ल्स डार्विन के खिलाफ मुकदमा कर रहे थे। तो प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट बोलते कि क्या यही प्रिजनर है? बोला हाँ यही प्रिजनर है। तो इस पे जो केस किया गया है उसके बारे में सबको जानकारी है या फिर किसी और को, नॉर्मल लोग को? तो बोला जाता है कि सबके पास जानकारी है। फिर पूछा जाता है प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट के द्वारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर से कि इस पे केस किसने किया है। जिस पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं अर्नेस्ट डफाज, जो एक वाइन मर्चेंट था सेंट एंटोनियो के, ऑफ थेरेसी डफाज या फिर मैडम डफाज उनकी पत्नी, और एक है तीसरा आदमी अलेक्जेंडर मैनेट जो एक फिजिशियन है, एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे तीसरा आदमी कौन था? तो अलेक्जेंडर मैनेट। जब इस बात को अलेक्जेंडर मैनेट या फिर डॉक्टर मैनेट सुनते हैं तो वो बहुत ही ज़रा गुस्सा हो जाते हैं और वह बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट से कि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। वह आदमी जो वहाँ खड़ा है वो मेरी बेटी का पति है और कोई दूसरा इंसान है जो मेरा नाम लेकर के इस पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। जिस पे प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट बोलते हैं थोड़ा शांत हो जाइए, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। अब यहाँ पे अर्नेस्ट डफाज प्रेसिडेंट के सामने आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर मैनेट से कि मैंने सुना है कि बेस्टाल में जितने भी लोग थे उन लोगों से आपने बहुत अच्छे से बात की, आया बहुत अच्छी बात है। जिस पे डॉक्टर मैड बोलते हैं हाँ बात तो सही है। अब यहाँ पे अर्नेस्ट डफाज बोलते हैं तो ज़रा आप बताइए कि उस दिन क्या हुआ था। जिस पे अब यहाँ पे अर्नेस्ट डफाज बोलते हैं मुझे पता था। डॉक्टर मैनेट, क्या आपको वह समय याद है जब आप बेस्टाल के प्रिजनर थे और आपको 105 नॉर्थ टावर पे रखा जाता था? जब हम लोग बेस्टाल गए थे तो वहाँ के एक जेलर के साथ हम लोग 105 नॉर्थ टावर जहाँ आपको रखा गया था हम लोग वहाँ गए थे। हम लोगों ने उस जगह को बहुत अच्छे से देखा परखा और हमें एक पेपर मिला। यह पेपर आप ही के द्वारा लिखा गया है और यह पेपर मैं प्रेसिडेंट के हाथ में देता हूँ। जब प्रेसिडेंट के हाथ में दिया जाता है तो वह बोलते इसे पढ़ा जाए। अब यहाँ पे जितनी बातें होंगी वह डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट के बारे में बताया जाएगा जो बेस्टाल के प्रिजन में थे। तो अब यहाँ पे अर्नेस्ट डफाज धीरे धीरे बोलता है। अब क्या बोलता है? तो वह डॉक्टर मैनेट के बारे में है। अब तो मैं अलेक्जेंडर मैनेट जो कि एक फिजिशियन हूँ बियावलिस के, मेरा यह साल बेस्टाल के 1767 का समय है और मुझे नहीं लगता कि मैं अब कभी भी इस जगह से बाहर निकल पाऊँगा। हालांकि मेरे पास एक सच है जो मैं बताना चाहता हूँ।
और अगर यह सच किसी और को नहीं पता चला तो शायद स्वर्ग में इसके बारे में बात होगी। एक रात की बात है जब आसमान में बहुत काले बादल थे और मैं नदी से होते हुए गुजर रहा था। तभी मेरे पीछे पीछे एक घोड़ा गाड़ी जा रही थी, तो मैंने उस घोड़े गाड़ी को जाने के लिए जगा दिया। लेकिन उस घोड़े गाड़ी का जो ड्राइवर था उसने घोड़े गाड़ी को रोक दिया और अंदर से किसी ने मेरा नाम बोला। उसी समय दो लोग वहाँ से बाहर आते हैं। दोनों दिखने में एक जैसे लग रहे थे। उनकी आवाज़, बोल चाल सारी की सारी एक चीज़ें एक जैसे लग रही थी। वे लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे बोलते हैं, क्या आप डॉक्टर मैट हो? बियोवालिस के, बियोवालिस एक जगह है। जिसमें मैंने बोला हाँ मैं डॉक्टर मैट हूँ। अब वे लोग बोलते हैं कि मैंने या फिर हम लोगों ने आपके बारे में सुना है, आप एक बहुत ही एक्सपर्ट फिजिशियन मतलब डॉक्टर और सर्जन हो, क्या आप हमारे साथ हमारे घोड़े गाड़ी में जा सकते हैं? और जिस तरीके से उन लोगों ने इस बात को बोला था, यह किसी तरीके का रिक्वेस्ट नहीं था बल्कि ऑर्डर था। जिस पर मैंने कहा कि क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे किस तरीके की बीमारी के लिए, उसके निवारण के लिए मुझे ले जाया जा रहा है, मुझे मेरी सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जिससे मैं बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। जिस पर वे लोग बोलते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप इस बीमारी को, जिसको हम लोग आपको दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं, आप उसे अच्छे तरीके से ठीक कर पाओगे। अब मेरे पास कोई उपाय तो बचा नहीं, तो मैं घोड़ा गाड़ी में बैठ गया और अंधेरी गलियों से शहर के वहाँ से जाने लगा। हम लोग नॉर्थ गेट के पास आए कंट्री रोड से होते हुए। थोड़ी देर बाद वह घोड़ा गाड़ी रुकता है और हम एक सुनसान जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पे एक गार्डन था। मुझे ऊपर की रूम से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वह दोनों भाई जो दिखने में एक जैसे लग रहे थे, उन्होंने मुझे उसी रूम में ले जाया गया उनके द्वारा। वह औरत के शरीर में बहुत ही ज़्यादा उसका तबीयत खराब था। वह बेड पे लेटी हुई थी और उसके हाथों को बांध दिया गया था। साथ ही साथ उसे एक अच्छे ड्रेस पहनाया हुआ गया था जैसे अमीर लोग पहनते हैं। तो उनमें से मुझे एक लेटर ई का साइन दिखा देता उस बड़े से घर में। अगर मैं उस औरत के बारे में बात करूं तो उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तीखी थी। वह चिल्ला रही थी, मेरा पति, मेरे पिता और मेरे भाई। तो मैंने उन दोनों भाइयों से पूछा, वह इस स्थिति में कितने समय से है? जिस पे उन दोनों भाइयों में से एक ने जवाब दिया, पिछले रात से। फिर मैंने पूछा, क्या इसका कोई पति, पिता या भाई है? जिस पे जवाब आता है, उसका एक भाई है। तो मैंने कहा, जेंटलमैन आप मुझे बताइए कि मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो किसी भी तरीके की दवाई नहीं है और इस सुनसान जगह पे मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं। तो उनमें से एक आदमी आता, बोलता, ये देखिए यहाँ पे मेडिसिन का बॉक्स है। वह कबोर्ड लेकर के आते मेरे पास और वहाँ पे एक मेडिसिन थी जिससे आदमी नींद में चला जाता है। तो मैंने क्या किया, उस औरत को वह दवा खिला दी और वह थोड़ी देर बाद शांत हो गई, बेहोश हो गई। फिर उन दोनों भाइयों में से एक भाई ने मुझसे कहा, एक और पेशेंट है, बेहतर होगा कि आप भी उसे देख लीजिए।
और दूसरे रूम में एक लड़का था जो लगभग 17 साल के आस के पास होगा। वह घास पे लेटा हुआ था, उसे चोट लगी थी तलवार से जो सीधे उसके दिल के पार हो चुकी थी। मैं उसके पास गया, उससे घाव को अच्छे तरीके से देखा और उसके घाव के पास अपने हाथ को रखा। मैंने उन लोगों से पूछा कि ऐसा इसके साथ कैसा हो गया, तो उन लोगों में से एक ने जवाब दिया, या तो एक पागल कुत्ता है, एक किसान, उसने मेरे भाई को तलवार से मारने की कोशिश की और मेरे भाई ने इसके सीने पे वह तलवार घुसा दी है, जिसके कारण हमारे खानदान का तलवार इस गंदे इंसान के खून से मैला हो चुका है। तो इन सारी की सारी बातों को सुन करके मैंने बोला कि क्या हुआ है मुझे बताओ। तो वह लड़का बोलता है धीमा धीमा आवाज़ से कि वह औरत जो वहाँ रो रही है वह मेरी बहन है, उसकी शादी हमारे गांव के एक लड़की के साथ हुई थी। हालांकि वह बहुत ज़्यादा बीमार था, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वे लोग बहुत राजी खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे और उन दोनों में से एक आदमी ने मेरी बहन को देखा, और आपको तो पता होता कि अमीर लोग कैसे होते हैं। हम लोग उनके यहाँ रह रहे थे, हम उनके गुलाम थे, और वह आदमी मेरी बहन के साथ समय बिताना चाहता था, लेकिन उसके पति ने इस बात से इनकार कर दिया। फिर उन लोगों ने क्या किया, उसके पति को घसीट करके, जो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बीमार था, उसे फार्म में ले गया और घोड़े की तरह काम करवाया। जिस तरह घोड़े काम करते हैं उस तरह से काम करवाया, दिन रात उससे घोड़ा गाड़ी चलवाता था, जिस कारण से उसकी मौत हो जाती है। फिर उसके बाद इन लोगों ने मेरी बहन को यहाँ ले आए, ये लोग। तो मैंने भी इनका पीछा किया, मेरे हाथ में तलवार थी, मैं खिड़की से होता हुआ यहाँ आया, मैंने अपनी बहन को आवाज़ दिया, जिसे मेरी आवाज़ सुनते हुए मेरी बहन मेरे पास आ गई। जिनमें से इस आदमी का भाई, जिसका नाम मार्कस डी सेंट एवरमोंड है, वह मेरे तक आया एक छोटी सी तलवार लेकर के, लेकिन उसे अंत में अपनी बड़ी तलवार निकालनी पड़ गई और हमारे बीच लड़ाई हुआ। और लड़ाई होते होते इसने क्या किया, मेरे शरीर के अंदर अपनी तलवार घुसा दी। तो यह मार्कस डी सेंट एवरमोंड कौन है, तो यह चार्ल्स डार्नी का ही चाचा है। यहाँ पे बहुत समय पहले के बारे में बताया जा रहा है, जब मार्कस डी सेंट एवरमोंड, जो कि चार्ल्स डार्नी का चाचा और उसके भाई ने, मतलब चार्ल्स डार्नी के पिताजी ने क्या क्या किया, यह उनके समय के बारे में बताया जा रहा है। यह 18-20 साल पुरानी बात है। फिर आगे बोलता है, इस आदमी ने अपनी तलवार को मेरे गंदे खून से रंग दिया, और इतना बोल करके उस लड़के के चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, जिससे वह अंत में मर जाता है, लेकिन उसकी मौत में मुझे दिख रहा था कि वो कैसे उन दोनों से नफरत कर रहा था। और वह बोलता है, सीरी, समय आएगा जब इन लोगों को इंदी करने की सजा मिलेगी, मैं अपने खून से इनको श्राप देता हूँ कि इनकी पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। और ऐसा कह करके वह मर जाता है। जब मैं उसकी बहन के पास गया तो वह भी मर चुकी थी। अब ऐसा कुछ नहीं था जो मैं कर सकता था, और मैंने उस घर को छोड़ा और वापस अपने घर आ गया। फिर अगले दिन मुझे एक अर्जेंट केस के लिए बुलाया गया। मैं कोच पे बैठा
इंतज़ार कर रहा था और फिर उसके बाद मुझे यहाँ बेस्टाल में बुला लिया गया। मार्कस डी सेंट एवरमोंट और उसके भाई और उसके परिवार के जितने लोग हैं सब लोगों को मैं अलेक्जेंडर मैर श्राप देता हूँ। फिर उसके बाद अर्नेस्ट अफाज इन सारी के सारी बातों को पढ़ता है और इन सारी बातों को पढ़ने के बाद चारों ओर सन्नाटा हो जाता है और फिर उसके बाद चारों ओर से नफरत की आवाज़ आती है और उन सारी की सारी नफरत की आवाज़ में मैडम डफाज की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा जोर की होती है और वह बोलती है, क्यों डॉक्टर साहब, अब आप क्या करोगे इसे बचाने के लिए। सारी की सारी बात हो जाती है और बोला जाता है कि चार्ल्स डार्नी को 24 घंटे के भीतर मौत की सज़ा सुनाई जाए, क्योंकि यहाँ पे मार्कस डी सेंट एवरमोंट उसका चाचा होता है और उसके पिता। तो 18-20 साल पहले की गई घटना के कारण या फिर यह समय और आगे भी हो सकता है, तो उसके कारण इसके चाचा इसके पिताजी की गलती के कारण अब चार्ल्स डार्नी को मौत की सज़ा सुनाई जा रही। यहाँ पे यह बात तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये मैडम डफाज इतना गुस्सा क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या कहानी है।